अरे एक्स्ट्रा और आ गया ना। ये आज यहाँ किशनगंज की बात करें, बंदरों ने काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से अपन बोल सकते हैं आतंक मचा रखा है। मतलब एक पूरे क्षेत्र में, एक बच्चों में, हमारी घर में, महिलाओं में, बहनों में, एक बंदरों का आतंक का भय हो चुका है। अब बंदर की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने के लिए काफ़ी जगह पिंजरे लगाए, पकड़ने के प्रयास करे, लेकिन उनको वहाँ पर सब जगह नाकामी हाथ लगी। अब बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है, यदि कोई छोटा बच्चा या हमारे घर पे बहनें वगैरह बाहर बैठी रहती है तो उनके ऊपर आके अटैक कर देते हैं, एकदम लड़ते हैं। इससे हमें बंदरों का भी खतरा रहता है। अभी थोड़े दिन पहले भी यदि बंदर आपस में लड़ रहे थे तो उनके तारों पे जाके अगर उनके करंट लग गया या आपस में लड़ते तो एक दूसरे को भी घायल कर देते हैं। और आज हम सब में भी बंदरों को लेकर काफ़ी भय उत्पन्न है। खतरा तो यही रहता है, यदि आज कोई बंदर किसी को भी खा जाता है तो मतलब काफ़ी मतलब जान कान का खतरा रहता है। यदि लड़ते हुए यदि हमारे ऊपर आ जाए तो आपस में लड़ते हुए बंदरों का गुस्सा हमारे ऊपर भी निकाल सकते हैं। नुकसान करते हैं, नुकसान तो काफ़ी करते हैं। यदि हमारे घरों का गेट खुला रह जाता है तो खोल के गेटों में घुस जाए, गेट खोल के कमरों में घुस जाते हैं, फ्रिजों में सामान ले जाते हैं, या जैसे आज कोई भी रसोई का गेट खुला रहता है तो रसोई में रह जाते हैं। यदि आज घर में हमारी महिला अकेली रहती है तो वो उन पर भी अकेले में देख के अटैक करते हैं। यदि हम उनको भगाने के लिए कोई भी महिला जाती है तो उसके ऊपर सारे हैवी हो जाते हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस और जिस और वो जगह जगह पिंजरे लगा रहे हैं इनको पकड़े ताकि इनकी जनसंख्या कम हो सके। राहुल यादव। एक्स्ट्रा और आ गया।